आम आदमी पार्टी ने आवाम के आरोपों पर सफाई दी है। आप नेताओं ने पीसी कर कहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और आपकी फंडिंग की जांच एसआईटी के जरिए की जाए, और आपने कहा है कि पैसों के मामले में हम पारदर्शी हैं। आम आदमी पार्टी ने आवाम के पीछे बीजेपी का हाथ होने की बात कही है। शाम को आम आदमी पार्टी ने रात 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि इस देश में राजनीति और पैसे को लेके जो बहस शुरू हुई है, उस बहस का हम स्वागत करते हैं। चाहे ये बहस उस पार्टी पे उंगली उठा के हुई है जो इस देश की एकमात्र पार्टी है जो पैसे के बारे में पारदर्शिता बरतती है, फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं। चाहे ये बहस उन लोगों ने उठाई है जो 20-20 हजार करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, चाहे ये बहस उन्होंने उठाई है जिनके अपने सरकारी अकाउंट में बताया है कि 70-80 फीसदी तक पैसा उनका ऐसे स्रोत से है जिसके बारे में कोई सूचना वो नहीं दे सकते, फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं। हमने कल कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वो एक एसआईटी का गठन करें, या जो ऑलरेडी एसआईटी बनी हुई है ब्लैक मनी पर, उसको एक काम सौंपे कि वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग पर का पूरी जांच करे और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई करे। मुख्य न्यायाधीश जी से ये आग्रह किया है कि वे इन तीनों पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके पिछले 5 वर्षों के हिसाब किताब की जांच एक एसआईटी के थ्रू कराएं, और जिसकी भी हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई जाए उसकी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए और उसके पदाधिकारियों को यथोचित सजा जो माननीय न्यायालय देना चाहता हो वो दे। इसके समर्थन के लिए हमने दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि आप अपनी सहमति का पत्र माननीय न्यायालय को सौंप दें, ताकि आप तीनों की सहमति, हमारी सहमति पहुंच गई, आप भी सहमति दे दें ताकि एसआईटी में आकर आपके फंड की भी जांच हो जाए, हमारे फंड की भी जांच हो जाए। हम अनुरोध करते हैं मीडिया से भी और मीडिया के माध्यम से दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं से कि केवल चुनाव से 3 दिन पहले की मडस्लेजिंग करके, चूंकि पिछली बार भी ऐसी मडस्लेजिंग की गई थी और केंद्र सरकार ने स्वयं हलफनामा दिया उच्च न्यायालय में और कहा कि आम आदमी पार्टी के चंदे की जांच करा ली है, इसमें 1 रुपए की गड़बड़ नहीं पाई गई, इस आरोप जो चेक दिए गए इस आरोप के बाद की बात कही गई है, तो हम चाहते हैं कि वो दोनों पार्टियां तत्काल, अगर वो चाहती हैं देश में पारदर्शी फंडिंग हो, अगर वो सचमुच में झूठा आरोप नहीं लगा रहे तो वो किस बात से डर रहे हैं, किस बात से बच रहे हैं, वो आए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सहमति दें कि वो जांच के लिए तैयार है। हम देश की अकेली पार्टी है जिसका 1-1 पैसा डिजिटलाइज है और उसी डिजिटलाइज वेबसाइट के सहारे ही उन्होंने ये महान ज्ञान प्राप्त किया कि जो चेक मिलते हैं उन चेकों से आया हुआ पैसा हवाला कहलाता है, जो नया काम उन्होंने हमें बताया।